दोस्तों, वाटरफॉल ने तोड़ा दम, पागलपन दिया ऐसा सेल्फी का। आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे, वाटरफॉल में बिल्कुल पानी नहीं है और लोग पागलपन कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। जैसे ही पानी आता है, उन लोग को नहीं लग रहा पानी आ रहा और सेल्फी ले रहे हैं। अपन लोग के भारत में कई ऐसी जान जा चुकी हैं सेल्फी के। हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट, पागलपन की दीवानगी। हमने आपको दिखाया था वाटरफॉल ने तोड़ा दम, अब हम आपको दिखा रहे हैं दीवानगी लोगों की। आजकल एक जुनून सा छाया रहता है, हर पल कुछ नया देखा और निकाला मोबाइल को, मुंह को आड़ा तिरछा करके फौरन सेल्फी लेने लगते हैं। पर बहुत कम लोगों को पता होगा कि सेल्फी लेने से दुनिया में मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा भारत में ही है, सिर्फ पागलपन की वजह से। जबकि ऐसे में लोगों को बटरफॉल का मजा दूर से लें, ऐसा ना हो कि फिर कहीं आप कहानी बनकर रह जाएं और आपका पागलपन की सेल्फी सिर्फ किस्से और कहानी में लोग बात सुनाएं, ऐसा ना हो। सागर जिले के राहतगढ़ में बीना नदी पर स्थित प्राकृतिक जल प्रताप वाटरफॉल बरसात के दिनों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसे देखने रोजाना सैकड़ों पर्यटन आ रहे हैं। लेकिन वाटरफॉल पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम न होने के कारण कई पर्यटक एवं युवा डेंजर पॉइंट गिरने वाली तेज धारा के पास जाकर सेल्फी ले रहे हैं, जिसको रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है। वहीं किनारे पर लगी सुरक्षा जालियां भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। प्रशासन रोके तभी आप रुके या कोई टोके तभी आप रुके, ऐसा ना हो। क्योंकि आप जब बटरफॉल जाते हैं, घर से निकलते हैं, तो आपका इंतजार घर में आपके घर वाले, आपके परिवार के लोग, भाई बहन करते हैं। इसलिए ये पागलपन से दूर रहें, सेल्फी के चक्कर से दूर रहें, जलप्रपात का आनंद दूर से लें, ताकि आपको भी अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे, आपकी वजह से दूसरे परेशानी में ना पड़े। हमारी रिपोर्ट शरद शर्मा।